आज पढ़ेंगे रीजनिंग, रीजनिंग में क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ए ई एफ जे, और इसमें खाली स्थान दिया हुआ है और पी टी दिया है। ए की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एफ की वैल्यू 6 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, पी की वैल्यू 16 होती है, इसकी टी की वैल्यू 20 होती है। तो 1 से 6 मतलब इसमें से इसमें गए तो 5 बढ़ गए, और ई से इसमें गए तो 5 बढ़ गए, मतलब प्लस 5 हुआ, प्लस 5 हुआ। अब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो प्लस 5 होगा, तो 6 में 5 प्लस करेंगे तो कितना 11 हो जाएगा, और इसमें जब 5 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 11 में 5 प्लस किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 हो गया, और 15 में 5 प्लस किए तो 20 हो गया। तो मतलब अपने को 11 और 15 की वैल्यू चाहिए जी। 11 की वैल्यू क्या होती है, के, और 15 वैल्यू होती है वो, तो के और ओ हो जाएगी, तो इसकी आंसर सी आ जाएगी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 9, 17, 31, 57 खाली स्थान और 205। तो 9 से 17 गए तो 9 दुनिया 18, इसमें इंटू 2 किए और माइनस 1 किए। ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 हुआ, और 17 दुनिया 34 इंटू 2 हो रहा है, और माइनस 34 में ये 31 आ गया, तो 34 से 31 आ गया तो कितना माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, माइनस 3 मतलब प्राइम नंबर चल रहा है। अब 31 दूनी कितना, 62 हो जाएगा, 62 में 57 हो जाएगा, तो 57 में क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इंटू 2 करके माइनस 5 किए, अब इसमें इंटू 2 करके माइनस 7 होना चाहिए, तो 57 दूनी कितना हो जाएगा जी, 57 गुणी 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ लगाइए, 5 दूनी 10 11, 114। अब कितना 7 माइनस होगा, तो 107 नहीं हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 107। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 मित्र ए बी सी की औसत आयु 20 है, मतलब तीनों की आयु मिला के कितना है, औसत 20 है, मतलब ये क्या बोल रहा है, एवरेज बोल रहे हैं ना, तो एवरेज आयु क्या है अपनी को 20 दिया हुआ है, ए बी और सी की, मतलब अगर एकक की देखा जाए तो तीनों की 60 हो जाएगी। तो ए धन बी धन सी इक्वल 60। अब ए और बी की औसत आयु, अब जिसमें ए और बी की औसत आयु क्या दिया हुआ है, ए धन बी की क्या दिया है, 19 वर्ष दिया है, अर्थात 19 दुनिया 38, दोनों का अगर औसत देखा जाए तो 38 नहीं हो जाएगा जी। तो 38 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 22 नहीं बच जाएगा, तो अपना आंसर 22 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, देखिए फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। अब देखो इसमें से फुटबॉल हॉकी कितना, ये दोनों खेलेंगे ना, तो 15 ये हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा यहाँ से, और ये 5 नहीं हो जाएगा जी, यहाँ देखो 5 दिया हुआ है, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ठीक है इसमें क्या है, एक किसी कूट भाषा में टाइगर को एस ए आई डी क्यू लिखा हुआ है। अब इससे मेरे को दिख रहा है माइनस 1 हो रहा है, इसमें देखें तो माइनस 1 हो रहा है, आई की नहीं होती प्लेस वैल्यू, एच की माइनस 1 हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी होती, 5 होती, लेकिन डी की वैल्यू 4 होती, तो इसमें भी क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, इसमें भी माइनस 1 हो जाएगा, तो मतलब माइनस 1 चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सब में माइनस 1 हो जाएगा। हॉर्स को कैसे लिखेंगे, तो हॉर्स की वैल्यू, एच की वैल्यू 8 होती है, एस की वैल्यू 15 होती है, ओ की, आर की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 19 और ई की वैल्यू 5, तो इसमें सब में एकक माइनस कर देते हैं, 14 में माइनस 1 किए तो 17, इसमें 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, तो 17 की वैल्यू 7 वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी, 14 की वैल्यू एन हो जाएगी, और 17 ओ पी क्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू 18 की वैल्यू आर हो जाएगी, और 4 की वैल्यू डी, तो डी जी एन कह दिया, जी एन क्यू आर डी, बी में दिया हुआ है, तो आंसर अपना कौन सा जाएगा जी, बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर
क्रमवत रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि इसको रखते हैं तो डबल ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा डबल ए डबल बी, ए नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ए बी, ये फिर ए डबल बी हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा डबल ए डबल बी, फिर यहाँ डबल ए फिर भी डबल ए, ए नहीं हो सकता, डबल ए फिर बी, फिर क्या हो जाएगा ए बी ट्रिपल बी, फिर ए नहीं हो सकता, ए बी ए डबल बी, फिर ए डबल ए डबल बी डबल ए, फिर अगर इसको रखेंगे तो, और फिर क्या हो जाएगा, मतलब ए डी आ जाएगा, देखो बी यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पे बी, तो ए बी ए डबल बी ए डबल ए डबल बी फिर डबल ए डबल बी फिर ए, तो ए वाला अपना सही हो जाएगा अर्थात डी सही हो जाएगा जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठ दूनी सोलह, सोलह में एक माइनस हुआ, देखो आठ दूनी सोलह, सोलह में वन माइनस हुआ तो पंद्रह, पंद्रह दूनी दो तीस, तीस में एक माइनस तो उनतीस, उनतीस इंटू टू तो कितना अंठावन, अंठावन में एक माइनस हुआ तो कितना आ गया संतावन, संतावन दूनी तो सात, दूनी करेंगे तो सात दूनी चौदह, चौदह की चार हाथ लाई एक, पाँच दूनी दस ग्यारह तो एक सौ चौदह, तो एक माइनस हो तो एक सौ तेरह, तो एक सौ तेरह आ गया हमारा, अब इसमें टू हो जाएगा तो तीन दूनी छः, दो एकम दो, दो एकम दो, अब इसमें एक माइनस कर देंगे तो टू टू फाइव नहीं आ जाएगा जी, तो टू टू फाइव ए अपना दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो छप्पन बत्तीस और चौबीस दिया हुआ है, तो छप्पन बत्तीस चौबीस, तो इसमें कैसे करना है अपने को, छप्पन से बत्तीस, बत्तीस से चौबीस, तो छप्पन बत्तीस चौबीस दिया हुआ है तो कैसे होगा जी, एक बार बत्तीस और चौबीस को जोड़ के देखते हैं, शायद छप्पन आ जाए, छः दो पाँच, हाँ मतलब समझ आ गया अपने को कि ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का क्या करना है प्लस करना है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए आ जाएगी, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी, अर्थात अपने को अड़तीस में अगर उन्यासी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ वन आ जाएगी और यहाँ क्या फोर आ जाएगी, तो फोर्टी वन आ जाएगी, अगर एक बार आप देख सकते हैं फोर्टी वन प्लस थर्टी एट करने से सेवेंटी नाइन आ रहा है, तो सही है अपना आंसर, तो फोर्टी वन ए पे दिया हुआ है क्या जी, फोर्टी वन दिया है बी पे, ठीक है। नौवा क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक कोड होता है जीरो तैंतीस छः सौ चौदह छः सौ पच्चीस जीरो पैंतीस, तो अपने को क्या बोल रहा है, अक्टूबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर अर्थात अक्टूबर का जीरो होगा कोड, ठीक है, तो अपने को पहले डेट लिखते हैं, तो डेट दो टू हो जाएगा, अक्टूबर की कोड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, फिर क्या लिखते हैं ईयर लिखते हैं तो टेन हो जाएगा लीप ईयर, जैसे कि टेन में अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो टू टाइम्स बच जाएगा अर्थात इसमें टू लीप ईयर हो जाएगा, टू लीप ईयर नहीं हो जाएगा जी, तो प्लस टू हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा इसमें, अपने को पता है कि 2000 सन का कोड कितना होता है जी, छः होता है, तो यहाँ पे छः हो जाएगा, आपको लास्ट क्लास में हम बताए हुए भी थे कोडों के बारे में, तो अब सबको डिवाइड कर देते हैं सेवन से, तो कितना हो जाएगा फिर, देखो छः दो आठ, आठ और दस अट्ठारह, अट्ठारह दो बीस, और बीस में सात गया, बीस में अधि सात गया तो चौदह प्लस छः नहीं हो जाएगा जी, ये सात से तो डिवाइड कट जाएगा, लेकिन अपने पास छः बच जाएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जीरो, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो अपने पास सिक्स आ रहा है, तो सिक्स क्या हो जाएगा शनिवार, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा शनिवार नहीं हो जाएगा जी,